हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जीके स्कॉलर। दोस्तों, जीके स्कॉलर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि हमने चैनल अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है आपकी सेवा के लिए। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ करेगा कि हम आपके लिए डेली इसमें एक वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे, और जिससे ISPCS से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कोई फेक क्वेश्चन नहीं होने वाला है, वो सटीक बिल्कुल आंसर देंगे। बिल्कुल एक से एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हम आपके सामने डिस्कस कर लें क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। कि आप जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन जो है मार्क कर लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको आंसर पता होंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है UPPCS में। ये क्वेश्चन UPPCS में पूछा गया 2005 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, ये आपको क्वेश्चन बताना है। ऑप्शन ए कहता है 16 जून 2004 से, 18 जून 2003 से, 18 जून 2002 से, 18 जून 2001 से। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का आंसर अभी क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 18 जून 2001 से जो हुई किसान मित्र योजना शुरू की गई थी, मुखी गई थी 18 जून 2001 से। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है। क्वेश्चन कहता है कि किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है ये आपको बताना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन UPPCS 2004 में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। UPPCS 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए कहता है चना, ज्वार, मक्का या गेहूँ। वेरी गुड, ऑप्शन डी इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूँ। जो गेहूँ है वो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वप्रमुख उत्पादक है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी। क्वेश्चन UPPCS का क्वेश्चन है ये, 2004 का ये पूछा जा चुका है। UPPCS 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप चाहें स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको हमने लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए है जबलपुर में की गई थी, या अयोध्या में, या कानपुर में, या पंतनगर में। दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना है जल्दी हमें, आपको मार्क होगा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन डी पंतनगर में। वेरी गुड, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, पंतनगर। ओके, किसी कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़ लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बताना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है वो क्या है। ये भी UPPCS मेंस का क्वेश्चन 2010 का, UPPCS मेंस में 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको बताना है। कहता है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। वेरी गुड, क्या है, गेहूँ। जो गेहूँ है वो उत्तर प्रदेश की सर्व प्रमुख, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली जो फसल है वो गेहूँ है उत्तर प्रदेश में। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, दोस्तों कोई टेंथ लेने वाली बात नहीं है, हमने सब क्वेश्चन मार्क कर लिए हैं। तो प्रैक्टिस सेट था वो मैंने करके देखा था, तो मेरा अच्छा खासा स्कोर गया है, आई होप आपका भी अच्छा ही जाना चाहिए। ये हमारा पार्ट 9th है, इस पार्ट 9 है हमारा ये, इससे पहले हमने पार्ट 8 हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जा करके वो देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उत्तर प्रदेश मुख्य स्पेशल परीक्षा में पूछा जा चुका है 2004 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फेक क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बताना है। लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है इसका आंसर, चलिए बताइए। ऑप्शन ए कहता है आगरा मथुरा, ऑप्शन बी एटा या मैनपुरी में, ऑप्शन सी सीतापुर बाराबंकी में, या ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर झांसी में। वेरी गुड,
कहाँ पर पाई जाती है? मिर्ज़ापुर झांसी में। जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर झांसी में पाई जाती है। जब मैं जाता उत्तर प्रदेश मुख्य स्पेशल परीक्षा का क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2004 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उत्तर प्रदेश में सस्ते जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहने वाला हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं लोअर पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है 2013 में, और पीसीएस प्री में 2014 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आप देख सकते हैं। तो कहता है कि उत्तर प्रदेश में सस्ते जलवायु क्षेत्र की संख्या है कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो सही इसका आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड, ऑप्शन सी होने वाला है इसका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा 9, वो है सस्ते जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ लेते हैं, न देरी किए। कहते हैं कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस 2002 और 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं 2002 और 2008 में क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, कोई फेक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आप इसको आसानी से याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है धान मक्का गेहूँ, ऑप्शन बी मक्का आलू गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का तोरिया गेहूँ, ऑप्शन डी कहता है कपास गेहूँ मूंग। चलिए इसका आंसर आपको जल्दी बताना हमें। जिसने सोचा है ऑप्शन ए धान मक्का गेहूँ, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी दोस्तों? आपको बताना है ये क्वेश्चन भी, यूडीए मेंस में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए कहता है सहारनपुर में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी प्रयागराज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी वो की गई थी लखनऊ में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसलिए कोई दिक्कत दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन बोला करूँ तो आप मेरे साथ एक दो बार बोल लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपको जो मैं क्वेश्चन बोलूँ उसको आपको मेरे साथ साथ बोलना है, तभी आपको क्वेश्चन आसानी से याद होने वाले हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, कहता है कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, जो उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष है वो अधिकतम है काय में है वो। ये भी क्वेश्चन यू पी पी सी है 2002 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए कहता है गेहूँ, ऑप्शन बी धान, चना या सरसों। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीआई 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है वो है गेहूँ की, किसकी है? गेहूँ की विक्रय अधिशेष जो है वो अधिकतम है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? दोस्तों क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा है 2002 में, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ऑप्शन ए कहता है चने की, ऑप्शन बी मसूर की, या ऑप्शन सी अरहर की, ऑप्शन डी मूंग की। तो जैसे कि आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन डी मूंग की। तो उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से अधिकतम जो न्यूनतम अवधि है वो है मूंग की, ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देख लेते हैं, कहता है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है ये काय में है? तो ये लोअर पीसीएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, लोअर में दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी पीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, पीसीएस स्पेशल मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों ये, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोबारा, जो लोअर में पूछा गया है ये 1998 में, फिर पीसीएस स्पेशल मेंस ने पूछा है इसको, एग्जाम में दिया था 2008 में, आप देख सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसका आंसर आपको बताना है हमें। ऑप्शन ए कहता है गेहूँ, चना,
सॉरी गेहूं, गन्ना, आलू, या ऑप्शन बी गेहूं, आलू, मूंगफली की, ऑप्शन सी आलू गन्ना चावल का, या ऑप्शन डी गन्ना कपास आलू का। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा पर इसका राइट आंसर जो गेहूं गन्ना आलू का है वो उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। दूसरे क्वेश्चन दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक तो लोअर में 1998 में और PCS स्पेशल मेंस में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे है। चलिए दोस्तों जल्दी इसका आंसर बताइए हमें। आपको दिख रहा होगा कि ये लोअर PCS में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन ए कहता है चावल गेहूँ, ऑप्शन बी गेहूँ गन्ना, ऑप्शन सी चावल गन्ना, ऑप्शन डी गेहूँ दलहन। जी दोस्तों बताइए इसका आंसर। तो बहुत से बच्चों ने दिया है वेरी गुड रहेगा गेहूँ गन्ना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए ऐसा जिला कौन सा है जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी महोबा। दोस्तों इसका आंसर जल्दी बताइए मैं कमेंट करके इसका आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड बहुत अच्छे मेरे भाई आंसर सबके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महोबा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों दोस्तों मेरी वॉइस ठीक आ रही है, आप सबको ठीक सुनाई दे रही है मेरी वॉइस। ओके ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ डिसलाइक कर दिए वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए हमारा। अगर क्वेश्चन फेक दिखते हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन फेक दिखता है हमारी वीडियो में जो आपको लगता है कि आप क्वेश्चन फेक है ये, तो आप हमारी वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है और आप सोचते हैं कि वीडियो अच्छी है ये हेल्पफुल है हमारे लिए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ऐसी वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर के आएंगे, टॉप मोस्ट कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है डेली के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश अब किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन UDA 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, UDA ने 2010 में क्वेश्चन पूछा है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए कहता है गेहूं का, ऑप्शन बी आलू का, या ऑप्शन सी गन्ने का, या ऑप्शन डी फूलों का। तो वेरी गुड जो फूल हैं वो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे बड़ा उत्पादक नहीं करता। ठीक है दोस्तों बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देख लेते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अवन नाली का अपरदान से सबसे प्रभावित जिला कौन सा है। ये आपको बताना है दोस्तों, ये PCS मेंस ने 2011 में क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे PCS मेंस ने 2011 में क्वेश्चन ये पूछ लिया है। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होने वाला है। चलिए ब्रो भाई जल्दी बताइए इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन ए कहता है आपके सामने मेरठ है, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी इटावा, या ऑप्शन डी फर्रुखा। वेरी गुड ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इटावा। जो इटावा है वो प्रदेश में अवन नाली का प्रदर्शन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। ओके PCS मेंस में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। ओके क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, ये कहाँ हुई थी दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों समीक्षा अधिकारी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी मेंस में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2013 में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। ठीक है दोस्तों चलिए इसका आंसर बताइए हमें क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन ए कहता है सहारनपुर में,
या ऑप्शन बी वाराणसी, या ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी प्रयागराज में। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला हमें। तो जिसने सोचा है ऑप्शन सी लखनऊ में, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा राइट आंसर सोचा है ये। जो लखनऊ है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। ओके चलिए, मुझे लगता है यहाँ पर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आई होप यहाँ तक वीडियो सबको समझ में आ रही होगी और किसी का डाउट यहाँ तक नहीं रहा होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से प्रभावित जो क्षेत्र है वो कौन सा दोस्तों? पीसीएस प्री का 2003 का क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन पीसीएस प्री ने 2003 में क्वेश्चन पूछा है ये। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। तो वेरी गुड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का। ओके पश्चिमी क्षेत्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कहता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का है दोस्तों ये क्वेश्चन, पीसीएस प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसीएस प्री ने इस क्वेश्चन को 2011 में पूछा है। तो चलिए इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो वेरी गुड, जिसने सोचा है ऑप्शन बी चावल। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत ठीक आंसर आ रहे हैं आपके। चावल, जो चावल उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको जल्दी बताना है दोस्तों हमें। पीसीएस मेंस में दोस्तों कुछ पूछा गया क्वेश्चन 2017 में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए कहता है गन्ना, ऑप्शन बी सेकंड है धान, थर्ड आलू, फोर्थ मक्का। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनना है, या पहला या दूसरा हो सकता है, या दूसरा तीसरा हो सकता है, या तीसरा चौथा, या पहला तीसरा। तो वेरी गुड दोस्तों, जिसने सोचा है ऑप्शन डी पहला और तीसरा, यानी गन्ना और आलू। जो गन्ना और आलू है वो उत्तर प्रदेश में निम्न फसलों का देश में बड़ा उत्पादक है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी गन्ना और आलू, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? चलिए दोस्तों जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यूपी पीसीएस प्री ने 2007 में क्वेश्चन पूछा है ये, तो आपको इसका आंसर हमें जल्दी बताना है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो उत्तर प्रदेश है, ऐसी कौन सी फसल है जिसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं है? तो वेरी गुड, ऑप्शन डी चावल पर। जो चावल पर है वो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, ठीक है। तो चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कहता है उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को ऐसे कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं जिनमें उसको विभाजित किया गया है दोस्तों? ये यूपी पीडी का क्वेश्चन है दोस्तों, 2009-2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होने वाला है? तो जिसने सोचा है ऑप्शन बी 9, जो 9 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। कहता है कि प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन कहता है दोस्तों। ये क्वेश्चन स्वास्थ्य शिक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्वास्थ्य शिक्षा में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए कहता है 28, 25, 20 या 16। चलिए इसका आंसर जल्दी बताएं हमें क्या होने वाला है। तो वेरी गुड, ऑप्शन सी 20। जिन ने सोचा है ऑप्शन सी 20 भी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर सोचा है दोस्तों।
जो 20 है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। दोस्तों क्वेश्चन आपको बताना है ये, उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में पूछा जा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है 2004 का। ऑप्शन ए कहता है दूध का, ऑप्शन बी चावल का, ऑप्शन सी केले का, ऑप्शन डी दालों का। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए दूध का। जो भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है यहाँ पर दूध का है। ओके चलिए बढ़े थे 24 की ओर। कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है वो कौन सी है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है 2004 का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है आलू, गन्ना, गेहूं या दलहन। चलिए दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है वो कौन सी है। तो वेरी गुड, ऑप्शन बी गन्ना। जो गन्ना है दोस्तों वो एकदम सटीक आंसर हो जाएगा इसका, नगदी फसल है बिल्कुल। ओके अब कहता है क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है वो कौन सी है। दोस्तों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2004 दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2004 में, फिर 2012 में पूछा गया है, फिर 2017 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ये। चलिए इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है ऑप्शन सी वेरी गुड, गन्ना। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है वो है गन्ना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 कहता है कि निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। निम्न में से किस दलहन फसल का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। PCS मुख्य परीक्षा यानी PCS मेंस में 2014 का क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों ये, जिसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है मूंग का, अरहर का, मटर का, चने का। चलिए बताइए इसका आंसर, ऑप्शन डी चने का। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश जो दलहन फसल का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है जब सर्वाधिक चने का। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ लेते हैं। कहता है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, जो गेहूं का अधिकतम उत्पादन करता है वो राज्य कौन सा है। वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये, कौन करता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है वो गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का। ओके ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कहता है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। जो कृषि श्रम उत्पादकता है वो सर्वाधिक कहाँ की है। उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों ये। चलिए इसका आंसर आप जल्दी से आपको बताना है, हमें जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड, ऑप्शन डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है वहाँ की। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देख लेते हैं। कहता है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक हैं वो किन्हें कहा गया है। दोस्तों आपको आंसर इसका बताना है। उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों ये, उत्तर प्रदेश मेंस में पूछा गया क्वेश्चन 2004 का। ऑप्शन ए कहता है 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, ऑप्शन बी कहता है 1 हेक्टर से कम भूमि वालों को, ऑप्शन सी कहता है 2 हेक्टर से कम भूमि वालों को, ऑप्शन डी 2.5 यानी 2.5 हेक्टर से कम भूमि वालों को। तो किसे कहा गया दोस्तों, जल्दी बताना है इसका आंसर हमें।
जो सीमांत कृषक कहा गया है वो किन्हें कहा गया दोस्तों? वो कहा गया है 1 हेक्टर से कम भूमि वालों को, ऑप्शन बी। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, 1 हेक्टर से कम भूमि वालों को जो कहा गया है वो सीमांत कृषक कहा गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। कहता है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। उस जनपद को चिन्हित करना है जिनमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक परीक्षा का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये यानी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2009 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना जल्दी हमें, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है लखनऊ में, झांसी में, मुजफ्फरनगर या गोरखपुर में। वेरी गुड, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, झांसी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कहता है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है दोस्तों, कब होती है बताना है। यूपी में जो खरीफ फसल की बुआई होती है यानी कब लगाई जाती है खरीफ की फसल, ये आपको बताना है। तो वेरी गुड, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, जून जुलाई के दौरान होती है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका 2009 में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जून जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देख लेते हैं। कहता है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना आपको, उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा उत्पादक है, यानी कौन सा उत्पादक भारत उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल प्री का क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों 2008 में। उत्तर प्रदेश स्पेशल प्री का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन 2008 का। ये दोस्तों इसका आंसर आपको जल्दी बताना है कमेंट करके हमें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, खाद्यान्न में, जो खाद्यान्न है उसमें भारत उत्तर प्रदेश जो है वो पैदावार सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा पैदावार उत्पादक करता है वो खाद्यान्न में, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देख लेते हैं। कहता है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला जिला है दोस्तों, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, कौन सा है? प्रतापगढ़। वेरी गुड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ है वो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2011-12 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रतापगढ़। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देख लेते हैं। कहता है कि उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी, कब की गई थी दोस्तों? ये पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, पीसीएस मेंस का क्वेश्चन दोस्तों 2015 का। कहता है कि उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई, कब की गई? ये की गई थी 1992 में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर 1992 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि उत्तर प्रदेश में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये क्वेश्चन कहता है। पीसीएस मेंस 2009 में, स्पेशल मेंस 2008 2009-2008 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने इसका क्वेश्चन मार्क नहीं किया है, जो क्वेश्चन 4 था ये गलत टिक किया मैंने इस पर, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन 35 का, ठीक है। चलिए बताइए
वहाँ पे कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। ऑप्शन ए कहता है आलू, चावल या गन्ना या तंबाकू, ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए बताइए, तो रहेगा ऑप्शन डी 1 और 3, आलू और गन्ना जो है वो देश में सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, इन फसलों का आलू और गन्ना का, राइट। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है, जो राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है कौन सा है। लोअर मुख्य परीक्षा में यानी मेंस का क्वेश्चन है ये, लोअर मेंस 2015 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहारनपुर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सहारनपुर जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। तो संतरे की पैदावार होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सहारनपुर ज़िले में, ठीक है, ऑप्शन सी। वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संतरे की जो पैदावार होती है सहारनपुर में सबसे ज़्यादा। तो देखते हैं कुछ वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 37, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन मंडी परिषद का है 2000, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर 2019 है, ठीक है, 2019 तक क्वेश्चन पूछा गया मंडी परिषद में कि प्रदेश में तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है वो कौन सी है। तो ऑप्शन डी काला नमक, वेरी गुड, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 37 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ऐसी वीडियो हम कल मिलेंगे लेकर के, आपके सामने लेकर के आएंगे वीडियो, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो यूपीएससी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।